अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सीमा जैन की दुनिया में खुश आमदी। देखिए आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और मायके की जब सुबह होती है बड़े उठते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है, फुल फ्रेश उठते हैं। अभी हम उठे हैं, नीचे जाएंगे, मामा हमारा नाश्ता रेडी कर चुके होंगे, हम फटाफट से करेंगे नाश्ता क्योंकि आज हमें जाना है अपने मामू के घर। उनके घर हमारी दावत है और लाहौर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, खुशगवार हो रहा है। इतने दिनों से इतनी गर्मी हो रही थी लेकिन आज थोड़ा मौसम बेहतर लग रहा है, तो जाएंगे आज मामू के घर, उनके घर पे दावत खाएंगे। नानों से मैंने पसंद की बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं, जैसे मैंने उन्हें बोला मेरे लिए शामी कबाब, चाट वाट सब कुछ उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है। वैसे तो मैंने सिंपल अपनी मामी के हाथ के दाल चावल और आलू खाने थे, पर मेरी नानों ने बोला कि ईद के दिन वो सबके लिए शामी कबाब और चाट बनवाती हैं। उन्होंने बोला तुम होगी नहीं तो तुम्हें अभी खिलाते हैं, क्योंकि ईद मेरी ससुराल में होती है, यहाँ मैं होती नहीं हूँ। तो आज बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बन गई हैं जो कि मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो जाते हैं मज़े मज़े की दावत खा कर आते हैं, सबसे पहले जाते हैं नीचे नाश्ता करते हैं, उसके बाद रेडी होंगे और दावत पे चलेंगे। बाबा जल्दी से बोलेगा मामा, मामा बोल दो, मामा बोल दो, मामा 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 बोल दो प्लीज, मामा बोल दो प्लीज, मामा। ये मैं एक कोकोमो एक प्लीज, पहले मामा मामा नहीं बोलोगे फिर? अच्छा ना बोलो, जाओ बाल छोड़ो मेरे जल्दी से, जल्दी बताऊँ मैं अपनी मामा को, बताऊँ मैं अपनी मामा को। बुआ ये देखो इसने मेरे बाल पकड़े हैं, बुआ इसको बोलो मेरे बाल छोड़े, बाल छोड़ो मेरे जल्दी से। अब मार खाएगा ये लड़का, नो बुआ खा लको मारो, बुआ खा लको मारो, बुआ खा लको, हो क्यों मार रहे हो? अच्छा क्यों ये ना मस्तियाँ कर रहा था, इसे मैंने थोड़ा सा डांट दिया तो अब मुझे गुस्सा दिखा रहे हैं। अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी 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 बाबा। अच्छा मामा को छोड़ दो, गुच्छे में कितने गुच्छे में बैठे हुए हो, कितने गुच्छे में बैठे हुए हो, कितने गुच्छे में बैठे। अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, मामा सॉरी भी तो कह रही हैं, मामा सॉरी भी तो कह रही हैं, सॉरी। अच्छा ले लो भाई, दे दो उसको, बोल दे दो, बोल देखो मामू आ गए, मामू। और बाबा इस वक्त अपनी मम्मी को बोल रहा है कि जो भी खाना बना रही हो कच्चा पक्का ही मुझे दे दो, आज इसका नाश्ते का मूड लग नहीं रहा। बाबा क्या खाना है आपने, क्या खाना है आपने? काका खाने, ये केले को बोलता है काका। अच्छा दे रही है मम्मी, ओ मम्मी इसके लिए फ्राइज बना रही हैं, फ्राइज खानी है आपने, फ्राइज खानी है बाबा। चलो अब जल्दी से बाबा की फ्राइज बनेंगी। यहाँ इब्राहिम मामू और उसका इकलौता भांजा क्रिकेट में बिजी है, वो बॉलिंग करवाता है, ये बैटिंग करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इब्राहिम के साथ कोई खेलने वाला नहीं होता क्योंकि उसकी तो सारी बहन ही बहन है, तो इब्राहिम खुद ही बॉलिंग करवा रहा होता है और खुद ही बैटिंग कर रहा होता है। तो अभी तो उसका भांजा आया हुआ है इब्राहिम का, तो इसलिए उसको एक पार्टनर मिल गया, वरना बेचारा अकेले खेल रहा होता। बाबा बॉलिंग करवाएं, बाबा जेट को बाबा हाथ पकड़ो, आज फुटबॉल खेलते हैं। ये बैट बॉल से अचानक फुटबॉल पे कैसे आ गए, ये पाँव में लगी है।
तो नीचे बन रही है सुहान की फ्राइज, फटाफट जाते हैं और फ्राइज लेके आते हैं। सुहान की मामा ने हमें ऊपर भेज दिया था कि नीचे गर्मी बहुत हो रही है, तो जब फ्राइज बन जाएंगी ना तब आ जाना। माँ है ना, उनको एहसास होता है कि मैं गर्मी में ना रहूँ, तो बस जाते हैं फटाफट से फ्राइज लेके आते हैं। वाओ यम्मी फ्राइज, मम्मी ने बना के दी है फ्राइज। वाओ गरम नहीं है, गरम नहीं है, फूक मारो फूक मारो। पता सब है, सब पता है इसको दादी। खालो 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 खालो। क्यों तंग कर रहे हो दादी को, इतना क्यों तंग करते हो हैं? ये लो फ्राइज खाओ, गरम गरम फ्राइज खाओ, फ्राइज खाओ, फ्राइज खाओ। नहीं है गरम बेटे, नहीं है गरम, खाओ तो। मैंने भी तो खाया। यम्मी सब के सब नखरे उठाते हैं, जुहान शहजादे के, जुहान शहजादे के। अरे वाह काला को खिला ले, दोस्तियाँ हो गई है काला की चादरी। वाह 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 काला, वा, मुझे भी दो। दादी को भी दे दो, दादी को भी दे दो। दादी से दोस्ती नहीं हुई अभी तक? मेरे कमरे में बैठे मुझे को आंखें दिखा रहा। ओ दादी के रूम में बैठे भी हो आप, और दादी को ही प्राइस नहीं दे रहे हो, दादी से दोस्ती नहीं है? दादी को दो बेटे, मुझे दो। दादी को, दादी को नहीं देना। दादी आपसे उसकी दोस्ती नहीं है, आप उसको डांटती रहती हो। और दादी कहे मेरे कमरे से जाओ। ओ दादी से नहीं दोस्ती हुई उसकी, बाकी सबसे दोस्ती हो गई है। One hour later. आपने बेबी को मारा है? आपने बेबी को मारा है? सॉरी कहें, सॉरी बोले उसको, सॉरी बोले, सॉरी बोले जयान को। एक्टिंग एक्टिंग, आपको किसने मारा है? एक्टिंग। और में बारिश हो रही है, वाओ इतना प्यारा मौसम हो रहा है, माशाल्लाह। माँ वो बिजली भी कड़क रही है बाबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा मौसम जुहान, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश। होने वाली है और बन रहे हैं गर्मा गर्म कप का। आपने कबाब खाने हैं? आपने कबाब खाने हैं? मामू के घर के कबाब कौन है? अच्छा मैं देती हूँ, मैं देती हूँ कबाब, मैं बेटे को कबाब खाने। यम्मी यम्मी यम्मी। जुआन बाबा की नज़र कबाबों पे है, कबाब खाने हैं, कबाब खाने हैं। बारिश में घूम के आए हो इतने बड़े मौसम में, खा लो कबाब, खा लो। यम्मी 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 यम्मी। कितने कबाब खाने में देते हैं, कितने सारे कबाब खाने हैं। घर से हम लोग आ गए हैं, वहाँ पर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था क्योंकि नानों के घर जाओ तो फिर सारे कजन्स के साथ बातें शादी होती हैं, हंसी मजाक होता है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर इतना प्यारा मौसम हो रहा था, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, मामू का सहन भी खुला हुआ है तो इसलिए बारिश का और भी मज़ा आ रहा था, दरख्त के पत्ते इतनी खूबसूरती से हिल रहे थे, तो बड़ा मज़ा आया मामू के घर पर। नानों ने इतना कुछ बनाया हुआ था, सही से रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि सुहान को ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ हुआ था, इसलिए उसमें ही मैं लगी रही, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। तो खाने में बने थे, नानू ने चाट भी बनवाई थी, शामी कबाब बनवाए थे और मामू की तरफ से काफ़ी कुछ था खाने में, चिकन था और मुझे मामू के हाथ का दाल चावल बहुत पसंद है, मैंने वो भी स्पेशली बनवाया था। और जो जो मेरी पसंद की चटनी, नमक वाली मिर्चें, जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मामी ने हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा, सिर्फ खाने का नहीं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि मुझे पसंद है वो सब भी बनाई हुई थी, तो
बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्यार करने वाले इतने सारे होते हैं। बड़ा मज़ा आया आज की दावत में, मामू के घर बहुत बहुत मज़ा आया, और साथ ही साथ कज़न से मिले, पुरानी यादें ताज़ा की, बड़ा मज़ा आया। तो बस यही था आज का ब्लॉग, इसी के साथ हम एंड करते हैं। मैं अभी अभी फजर की नमाज़ पढ़ के फारिग हुई हूँ, इसलिए मुझे और इब्राहिम को हल्की हल्की भूख लग रही है, तो हम आए हैं नीचे देखने के क्या क्या है खाने के लिए। तो मुमानी ने हमें साथ में खाना भी दिया था, शाही कबाब दिए हैं और चिकन का सालन दिया है, रोटियां हैं, वो सब हम खाएंगे। ओवन में गर्म हो चुका है, फटाफट से खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें, खुश रहें, जल्दी से 2K सब्सक्राइबर्स करवा दें, हमारे साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।